तो वी वर डूइंग एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेटा एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जब हम पढ़ रहे थे बेटा, तो हमने इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में तो पढ़ लिया कि इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की कैसे कैसे एप्लीकेशंस होती हैं। आई थिंक सो मैंने पहले आपको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बॉइलिंग पॉइंट को इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद विस्कोसिटी के बारे में बताया आपको कि विस्कोसिटी कैसे बढ़ती है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी इन वॉटर के बारे में बताया होगा। इज इट क्लियर? यहीं तक बोला था आपको बेटा? तो चलिए आज उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनयूजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते हमारे पास वॉटर की अनयूजुअल प्रॉपर्टीज, अनयूजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर। This is also an application for what you can say this hydrogen bond, and that is intermolecular hydrogen bond. Uski application hai beta hamare paas unusual properties of water. Now what are unusual properties of water? To beta do tarah ke question aa jate hain, waise main pehle bhi discuss kiya hu fir fir bhi. Sabse pehli tarah ka question ye aa jata hai ki water has maximum density at 4 degrees Celsius। ठीक है जी, वॉटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री होती है। देखो बेटा ज्यादातर चीजें जो होती हैं, अगर हम उसको हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड होती है, और ठंडा करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। सारी चीजें ऐसी होती हैं, पर वॉटर एक ऐसी चीज है कि अगर हम टेम्परेचर को कम करें, मान लो टेम्परेचर हमारे पास 100 डिग्री था, 100 डिग्री से टेम्परेचर कम करने लगे, 4 डिग्री तक आकर के कंट्रैक्ट हो रहा है, ये कंट्रैक्ट हो रहा है। अब 4 डिग्री के बाद अगर 0 डिग्री तक ले जा रहे हैं, ये फिर से एक्सपैंड हो रहा है, ये फिर से एक्सपैंड हो रहा है। यानी 4 डिग्री पर आकर के वॉटर मॉलिक्यूल्स आर एट द क्लोजेस्ट, so therefore density of water is maximum at 4 degree। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि 4 degree से 0 degree, चलो ठीक है 100 से 4 degree तक लाते हो, हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं। टेम्परेचर कम करने से हमेशा कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो चलो वो समझ में आती है। ठीक, 4 degree से ऊपर इसको हीट करेंगे तो ऑब्वियसली वो एक्सपैंड करेगा। क्यों एक्सपैंड करेगा? क्योंकि आप मतलब हीट दे रहे हैं, मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, एक्सपैंड करेगा। लेकिन व्हाट अबाउट द केस कि आपने 0 डिग्री से 4 डिग्री से 0 डिग्री तक लाना शुरू किया, यानी टेम्परेचर डिक्रीज किया, तो फिर हमारे पास डेंस, ये जो एक्सपेंशन क्यों हुई? ये तो कंट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक, तो एक्सपेंशन क्यों हुई? देखो बेटा 4 डिग्री के बाद 0 डिग्री तक आते आते वॉटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगते हैं और ओपन केज टाइप स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। From zero degree, या ऐसा बोलो from 4 degree to 0 degree, water acquires open cage type structure, ठीक, open cage type structure due to formation of hydrogen bonds। ठीक, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन बॉन्ड पहले नहीं होते, बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड पहले भी होते हैं, लेकिन 4 डिग्री से 0 डिग्री तक जाते हुए दैट एक्वायर्स अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, जिसको मैंने पहले भी बताया था कि जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल यहां है। ठीक, अब पहले तो वाटर मॉलिक्यूल बहुत पास पास थे, लेकिन आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, और उस डायरेक्शनल नेचर की वजह से वाटर मॉलिक्यूल 4 डिग्री से 0 डिग्री तक आते हुए अपने आप को ओरिएंट करेंगे इस तरह से ताकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन सके। और क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, सो दे विल बी ऑपोजिट टू कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है जी, और इस वजह से वाटर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देता है
फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री व्हेन इट इज स्टार्टिंग फ्रीजिंग, जब ये फ्रीज करना शुरू करता है तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है, दैट इज ओपन केस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो वॉटर मॉलिक्यूल इस तरह का स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक्सपैंड करते हैं ताकि हमारे पास डायरेक्शनल नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड करते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको ओपन केज टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं, ओपन केज टाइप स्ट्रक्चर। एंड दिस हैपन्स ओपन केज टाइप स्ट्रक्चर एंड दिस हैपन्स फ्रॉम 4 डिग्री टू 0 डिग्री। इसलिए 4 डिग्री से 0 डिग्री तक वाटर मॉलिक्यूल एक्सपैंड करने लगते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड दिस सॉर्ट ऑफ ओपन केज स्ट्रक्चर। इसलिए उसकी डेंसिटी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये दूर दूर हो जाएंगे तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए डेंसिटी कम हो जाएगी। और इससे आगे चलेंगे अगर 4 डिग्री से आगे तब तो वैसे हीट करने से मॉलिक्यूल एक्सपैंड होने ही है। तो 4 डिग्री पे वाटर मॉलिक्यूल्स आर एट द क्लोजेस्ट अप्रोच, इसलिए मैक्सिमम डेंसिटी जो वाटर की होती है वो 4 डिग्री पे होती है, क्योंकि वहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स क्लोजेस्ट अप्रोच पे होते हैं। 4 डिग्री से 0 डिग्री पर जाते हुए वो जमना शुरू करता है यानी फ्रीज होना शुरू करता है, और जब वो फ्रीज होना शुरू करता है तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक्सपैंड करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, और जिससे उसकी डेंसिटी फिर से क्या करती है, डिक्रीज करनी शुरू हो जाती है। इसलिए डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री। बोलो इज इट क्लियर, जल्दी बेटे। यस, और इसी पे बेस्ड बेटे ये क्वेश्चन आ जाता है, दूसरा क्वेश्चन इसी पे, वाटर के अनयूजुअल प्रॉपर्टी। वाटर आइस फ्लोट्स, वाटर आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, ठीक। द रीजन इज सेम, reason is very same, ice floats on water because density of ice is less than water, density of ice is less than water due to open cage type of structure which has large vacant spaces, and therefore ice की density कम हो गई, that starts flowing over water. इस तरह से ice होती that starts flowing over water. बेटा बोलो clear हो गया ये question? दोनों question clear हो गए? बेटा ये दोनों चीजें किसके ऊपर based है? ये hydrogen bond के ऊपर based है, और hydrogen bond के directional nature के ऊपर based है, क्योंकि hydrogen bond directional था इसीलिए ऐसा हुआ होगा, ठीक। तो बेटे ये हमारे पास वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं वो ऐसे आ रही है, ठीक है बेटा। बेटा पिछली बार क्या सॉल्युबिलिटी इन वाटर बता दिया था मैंने आपको? टेल मी। अच्छा, तो इसी तरह से बेटे हम ये भी कह सकते हैं कि वाटर की एक और बात, वाटर इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक। व्हाई वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्या वजह है? देखो बेटा वाटर में मैक्सिमम चीजें डिसॉल्व कर जाती है। अब जो वाटर में डिसोल्यूशन है, यानी वाटर में जो डिसोल्यूशन इन वाटर दो वजह से हो सकती है, ठीक। डिसोल्यूशन इन वाटर दो वजह से हो सकती है, और वो दो वजह क्या है? अगर बेटे हमारे पास आयनिक कंपाउंड हो, अगर आयनिक कंपाउंड्स हो तो आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर ड्यू टू हाइड्रेशन, क्योंकि उसमें हमारे पास हाइड्रेशन होने से हाइड्रेशन एनर्जी बिकम्स मोर देन लैटिस एनर्जी एंड थिंग्स बिकम सॉल्युबल। जैसे बेटे NaCl जो होता है वो आपको समझाया था, जब वाटर में डालते हैं तो Na1 पॉजिटिव एक्वस बन जाता है और Cl1 नेगेटिव एक्वस बन जाता है, यानी Na के आसपास भी वाटर इकट्ठा हो जाता है, Cl के आसपास भी वाटर इकट्ठा हो जाता है, हाइड्रेशन हो जाती है, और उस हाइड्रेशन की वजह से सॉल्युबिलिटी हो जाती है। लेकिन बेटा जो कोवलेंट कंपाउंड्स है, बेटा कोवलेंट कंपाउंड के तो आयन बनेंगे ही नहीं, क्या कोवलेंट कंपाउंड आयन बनाएगा?
तो कोवेलेंट कंपाउंड तो आयन बनाएगा ही नहीं। तो अगर कोवेलेंट कंपाउंड आयन नहीं बनाएगा हाइड्रेशन नहीं होगी, अगर हाइड्रेशन नहीं होगी तो वो डिसॉल्व कैसे होगा? सो बेटा कोवेलेंट कंपाउंड डिसॉल्व ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन की वजह से कोवेलेंट कंपाउंड डिसॉल्व कर जाते हैं। जैसे बेटा अगर मान लो मेरे पास इथाइल अल्कोहल है C2H5OH, ठीक, अब ये कोवेलेंट कंपाउंड है, आयन में टूटेगा नहीं, पर जो वाटर होगा, वाटर इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, वाटर कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और इस वजह से अल्कोहल बिकम सॉल्युबल इन वाटर क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। ऐसे ही बेटे अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी हम ऐसे बनाते हैं बेटा, देखो COH, OH, 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 H, CH2OH, ठीक, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है बेटा। यहां पे भी कार्बन है बच्चे, यहां पे भी कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है। अब ग्लूकोज एक कोवेलेंट कंपाउंड है तो बेटा आयंस में तो बनेगा नहीं, आयंस में बनेगा नहीं तो बेटा फिर इसकी हाइड्रेशन होगी नहीं, तो फिर क्या होता है, इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां से बनेंगे, 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 ये ऑक्सीजन बना सकता है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ऐसे ग्लूकोज कैन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन विद दैट ऑफ वाटर एंड हेंस ग्लूकोज इज सॉल्युबल इन वाटर। तो देखो बेटा जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो डिसॉल्व करते हैं ड्यू टू हाइड्रेशन, whereas covalent compound generally dissolve in water due to formation of hydrogen bonds, ठीक, तो covalent compound की solubility hydrogen bond की वजह से होती है। जैसे इस पे question आ जाए, आपको बोले ammonia when passed through water, no bubbling is seen. Bubbling is seen. Whereas when phosphine is passed through water, we see bubbling. ठीक है जी, तो जब हमने अमोनिया को पास किया वाटर से तो बबलिंग नहीं होती, लेकिन बेटे जब आप फॉस्फीन को पास करते हो वाटर से तो डेफिनेटली बबलिंग होती है, ठीक, और क्वेश्चन भी हमारा यही हो गया, ठीक। ऐसा क्यों हुआ बेटे, जब हमने अमोनिया को पास किया तो अमोनिया तो ऐसे है, ठीक, NH, और वाटर ऐसे है बेटे OH, एक बात बताओ, क्या वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये वाला हाइड्रोजन क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? Yes, that can definitely form hydrogen bond, क्योंकि ये किससे कोवेलेंटली जुड़ा है, नाइट्रोजन से, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक। अगर फॉस्फीन की बात करें, फॉस्फीन हमारे पास ऐसे होगा PHHH और वाटर हो गया यहां पर OH। अभी मेरे को एक बात बताओ, क्या बेटे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, क्या ये वाला हाइड्रोजन कैन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्ड? ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता है तो ऑब्वियसली ये डिसॉल्व नहीं करेगा, अगर ये डिसॉल्व नहीं करेगा तो इसकी गैस रहेगा, गैस रहेगा तो इसकी बबलिंग होगी। तो हम ये इसका आंसर ये देंगे कि अमोनिया फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद वॉटर, ये वॉटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, therefore is soluble, इसलिए सॉल्यूबल हो जाता है और इसलिए बबलिंग नहीं होती। फॉस्फीन कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है, ऑब्वियसली इसी वजह से इसमें क्या देखी जाती है, इसमें बबलिंग देखी जाती है, क्योंकि डिसॉल्व नहीं करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा तो डिसॉल्व नहीं करेगा, डिसॉल्व नहीं करेगा तो बबलिंग नहीं होगी, बबलिंग हो जाएगी। बोलो क्लियर और नॉट? तो इस तरह से सॉल्युबिलिटी इज आल्सो
सीन इन द कोवेलेंट कंपाउंड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है जी, तो ये प्रॉपर्टीज जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही होती है। ठीक, अब थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक, अभी हमने पढ़ी जितनी भी आपके पास एप्लीकेशंस थी ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हमने पढ़ लिया बेटा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एप्लीकेशंस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है जी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की इंटरमॉलिक्यूलर तो पढ़ लिया आपने, अब हम बात करेंगे कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। देखो बेटा, इसमें क्वेश्चन वाइज ही समझाता हूं ताकि ज्यादा आसानी से समझ में आ सके। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल स्टीम वोलेटाइल, जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल होता है वो स्टीम वोलेटाइल होता है। Whereas पैरा नाइट्रोफिनोल इज नॉट। ठीक, नो, पहली बात इसमें समझते स्टीम वोलेटाइल का मतलब क्या है। बेटे स्टीम वोलेटाइल का मतलब है जो स्टीम में उड़ जाए, जब उसको स्टीम पास करो उससे वो बॉयल हो जाए, उड़ जाए। यानी ये बोल सकते हैं एक तरह से कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट लेस हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है तो अगर स्टीम से भी इसको हीट करो, स्टीम इससे पास करो, ये उड़ जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा। ठीक, वहीं पर जो पैरा नाइट्रोफिनोल होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट मोर होता है, तो ये स्टीम में बॉयल नहीं हो पाता है, इसलिए ये स्टीम में वोलेटाइल नहीं होता है। अब बात यह है कि ऐसा क्यों है। देखो बेटे, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की अगर हम बात करें तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल मेरे पास इस तरह का है, यहां पे OH और यहां पे N डबल बॉन्ड O और यहां मान लो O, ऐसा है। अब हमें पता है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, सो देयर इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेटा। तो जब ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे तो कोई दूसरा मॉलिक्यूल इसका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसलिए किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्टेड नहीं रहेंगे। सो इट इज नॉट अट्रैक्टेड ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज नॉट अट्रैक्टेड by other molecules and therefore has less boiling point and is more volatile, और इसीलिए स्टीम में भी volatile होगा, स्टीम में भी उड़ जाएगा। अगर मैं पैरा नाइट्रोफिनोल की बात करूं तो पैरा नाइट्रोफिनोल बेटे ये हो गया हमारे पास, दिस इज पैरा नाइट्रोफिनोल। पैरा आपको बताया था मैंने कौन सी पोजीशन होती है, पैरा ये होती है। नाउ सी, ये क्या कर सकता है, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना नहीं सकता, इट कैन नॉट फॉर्म इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कैन इट फॉर्म इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड? इट कैन नॉट फॉर्म इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इट विल फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। समझ में आई? जबकि ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमेशा इंट्रामॉलिक्यूलर। एंड पैरानाइट्रोफिनोल, दिस इज पैरानाइट्रोफिनोल, ठीक, कैन फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। देयरफोर इज अट्रैक्टेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स।
तो बाकी मॉलिक्यूल्स भी इसको पकड़ के रखेंगे, ठीक, तो ये वॉलेटाइल नहीं हो पाएगा, ठीक। देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर एंड हेंस लेस वॉलेटाइल, ये वॉलेटाइल नहीं रहेगा, इस वजह से स्टीम में ये उड़ेगा नहीं। तो सिंपल बात ये होगी कि इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते हमारे पास ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, किसी दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो दूसरा मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो ये एक मॉलिक्यूल दूसरे को पकड़ के नहीं रख रहा, तो ये उड़ेगा आसानी से उड़ेगा, यानी ये बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा इसका, बट यू कैन से वॉलेटिलिटी भी ज्यादा होगी, ये स्टीम वॉलेटाइल होगा, जबकि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दूसरे को पकड़ के रखेगा ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो नीचे वाले मॉलिक्यूल इसको पकड़ के रखा है, ना जाओ सैया छुड़ा के भैया, है ना भाई, उड़ने नहीं देगा, तो ये उड़ेगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, वॉलेटिलिटी कम होगी, तो स्टीम में वॉलेटाइल नहीं होगा। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? यस इट इज क्लियर, ओके। इसी तरह से बेटे हम एक बात और भी बोल सकते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है इसका वेपर प्रेशर मोर होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक, जबकि इसका वेपर प्रेशर कम होगा। मतलब सिंपल बात, वेपर प्रेशर क्या होता है थोड़ा सा समझा देता हूं, वैसे अगले चैप्टर्स में आएगा पर मैं यही समझा देता हूं। मान लो ये मेरे पास एक वेसल है, आई हैड अ वेसल, इस वेसल के अंदर मेरे पास कोई लिक्विड रहा करता था, ठीक है जी। अब लिक्विड जो होगा बेटे आपको पता हो उसमें इवेपोरेशन होती है, तो इवेपोरेशन होती रहेगी। जब इवेपोरेशन होती रहेगी तो मॉलिक्यूल इधर उधर घूमते रहेंगे, जो यहां मॉलिक्यूल गैस बन गए उधर उधर घूमते रहेंगे, घूमते घूमते कभी वो इस सरफेस पे टकराएंगे भी, जब इस सरफेस पे टकराएंगे तो यहां के मॉलिक्यूल इसको दोबारा कैप्चर कर सकते हैं, उससे कंडेंसेशन होनी शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है? कंडेंसेशन होनी शुरू हो जाती है, ठीक। अब पहले मान लो इवेपोरेशन ज्यादा है, कंडेंसेशन कम है, धीरे धीरे एक ऐसा पॉइंट आ सकता है जहां रेट ऑफ इवेपोरेशन becomes equal to rate of condensation, एक ऐसा पॉइंट जहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाए, जितने मॉलिक्यूल उड़ रहे हैं उतने ही कंडेंस हो रहे हैं। बताओ क्या उस समय यहां पे जो वेपर्स हैं क्या उसका अमाउंट बढ़ेगा? जब ऐसा हो जाए कि जितनी इवेपोरेशन उतनी कंडेंसेशन हो रही है, क्या उस समय यहां वेपर्स का अमाउंट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। अगर वेपर का अमाउंट नहीं बढ़ा तो वो वेपर्स जो यहां प्रेशर लगा रहे होंगे क्या वो चेंज होगा? वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वेपर ही नहीं बढ़ रहे। तो ऑब्वियसली ऐसे प्रेशर को, ठीक, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स On the surface of liquid, ठीक, when rate of evaporation is equal to rate of condensation is called as vapor pressure। तो वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा? वेपर प्रेशर होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द लिक्विड सरफेस व्हेन रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल, ठीक, उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। मैंने कहा कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, जबकि पैरा नाइट्रोफिनोल का वेपर प्रेशर कम है। अब ऐसा क्यों है?
क्योंकि सिंपल बात है ऑर्दो नाइट्रोफिनोल ज्यादा वॉलेटाइल है, मोर वॉलेटाइल। अगर मोर वॉलेटाइल है तो ज्यादा उड़ेगा, मोर वॉलेटाइल है तो ज्यादा उड़ेगा, और अगर ज्यादा उड़ा, ज्यादा इवेपोरेट हुआ तो वेपर ज्यादा बनेंगे, वेपर ज्यादा बने तो यहां वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो चीज ज्यादा वॉलेटाइल होती है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? तो बेटा एक बात समझ लो कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते इसका हमेशा वॉलेटिलिटी कंपाउंड की ज्यादा हो जाती है देन दैट ऑफ इंटरमोलिकुलर। ठीक, तो वो स्टीम वॉलेटाइल भी हो जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, बट उसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उसके वेपर ज्यादा बनते हैं तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। जबकि जहां पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगी तो एक मॉलिक्यूल दूसरे को पकड़ के रखेगा, तो उसकी वॉलेटिलिटी भी कम है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, लेकिन वेपर प्रेशर कम है क्योंकि उसके वेपर्स कम बनेंगे। तो ऐसे वेपर प्रेशर पे डेफिनेटली हम ये बता सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जो जो चीजें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड से बड़ी इंट्रामोलिकुलर की वजह से कम हो जाएगी। जैसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे को पकड़ के नहीं रखेगा, डिक्रीजेस विस्कोसिटी भी कम हो जाएगी क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे को पकड़ के नहीं रखेगा। ठीक है बच्चे, और उसी तरह से वॉटर में भी सॉल्युबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी, क्योंकि जब ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के रखेंगे तो वॉटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा क्योंकि वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगी। बोलो एम आई क्लियर और नॉट? ओके, अगली बात, एक ये जो अगला पार्ट करवा रहा हूं ये पार्ट बेटा थोड़ा समझना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा क्योंकि ये ऑर्गेनिक का पार्ट है, फिर भी आई एम टेकिंग रिस्क ओवर हियर, ताकि बेसिकली क्या है कि ये क्वेश्चन तो यहाँ पे हो ही जाएगा, ठीक, लेकिन ये फ्यूचर में ज्यादा समझ में आएगा। बट एनी हाउ इधर देखते हैं, बेटे इसमें ना हम लोग कई ऑर्गेनिक एसिड्स के स्ट्रेंथ की बात भी कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है जी, जैसे बेटे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लेते हैं, पहला ये भी अभी कोई ले रहा हूं, आपको बोला ऑर्दो नाइट्रोफिनोल इज लेस एसिडिक देन पैरा नाइट्रोफिनोल। ऑर्दो नाइट्रोफिनोल इज लेस एसिडिक देन पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है जी, ऐसा क्यों? देखो बेटे, अगर मैं ये दोनों स्ट्रक्चर बनाता हूं तो एक तो मेरे पास ये बना बेटा ऑर्दो नाइट्रोफिनोल, अभी आपने पढ़ा O के साथ H, और यहां पे आ जाएगा N डबल बॉन्ड O, ठीक, और दूसरा हमारे पास हो जाता है पैरा नाइट्रोफिनोल इज लाइक दिस। ठीक है बच्चों, अब बेसिकली एसिड वो होता है जो H दे सके, एसिड वो होता है जो H आसानी से दे सके। एसिड इज अ सब्सटेंस, एसिड विच कैन गिव H पॉजिटिव इजीली, जो जितने आसानी से H पॉजिटिव देता है उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है।
अब देखो बेटे यहां पे इस H को देने की बात हो रही, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, बट द प्रॉब्लम इज देयर, दिस एसिडिक हाइड्रोजन फॉर्म्स इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, सो दिस फॉर्म्स इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कैन नॉट बी गिवन इजीली, कैन नॉट बी गिवन इजीली, ये आसानी से नहीं दे सकता, जबकि यहां पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था, तो ये एच देना थोड़ा इजी हो सकता है, सो ऑब्वियसली ये एच आसानी से देगा, देयरफॉर हम ये बोल लेंगे कि ये ज्यादा एसिडिक है, दिस इज मोर एसिडिक, क्योंकि एच आसानी से देगा, बट ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ये एच को पकड़ के रखेगा, एच को देना मुश्किल हो जाएगा, तो इस केस में एसिडिक कैरेक्टर इसका कम हो जाएगा, बोलो इज इट क्लियर बच्चे, बेटे भाविका सिंपल बात है, एसिड होता है एच देने वाला, एसिड क्या होता है एच देने वाला, जो एच दे देगा, इसका एच इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से पकड़ा हुआ है, तो क्या ये आसानी से एच देगा, ये आसानी से एच नहीं देगा, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, और इसका एच नहीं पकड़ा हुआ है ठीक, तो ये आसानी से दे सकता है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड वो होता है जो एच आसानी से दे, बोलो क्लियर और नो, ओके, पर ऐसा कभी नहीं सोचना कि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हमेशा एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता, नहीं, कई जगहों पे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज भी होता है, जैसे मैं एक और एग्जांपल तुम्हारे साथ शेयर करता हूं, ठीक, मेरे पास एक है बेंजोइक एसिड, दिस इज बेटा बेंजोइक एसिड COOH, ठीक, इसको लिखते कैसे हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, यहां पे डबल बॉन्ड O, यहां O, ठीक, और H, इसी तरह से एक है मेरे पास सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड मैं ऐसे बनाऊंगा, यहां C, ठीक, C, और यहां पे डबल बॉन्ड O, OH, यहां पे OH, ये सैलिसिलिक एसिड, दिस इज सैलिसिलिक एसिड, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक, अब बेटे इसी तरह से एक होता है और, अब मैंने यहां पे भी OH लगा दिया, यहां C डबल बॉन्ड O, OH लगा दिया, यहां पे भी OH लगा दिया, ठीक, ये तीन एसिड है, अब इसमें एसिडिक हाइड्रोजन जो देने वाला हाइड्रोजन है वो ये दे दिया जाता है, जब ये एच दे दिया जाता है तो बेटे मेरे पास ये आयन ऐसे बनता है, देखो ध्यान से प्लीज, ठीक है, और बेटे इसमें एक फिनोमिना होता है जो आज करवाऊंगा तुम्हें, रिजोनेंस, क्या होता है रिजोनेंस, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाते हैं बेटे और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाते हैं बच्चे, सो देयर मे बी रिजोनेंस, ठीक, इस रिजोनेंस के चलते हम इस मॉलिक्यूल को कुछ ऐसे शो कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज, इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे शो कर देते हैं सी ओ, और ये डबल बॉन्ड दोनों जगह पर ऐसे मूव कर रहा होता है, और इस दोनों ऑक्सीजन पे वन नेगेटिव चार्ज ऐसे मूव करता हुआ दिखा देते हैं कि ये यहां यहां ये रिजोनेंस होती है, आज करवाऊंगा तुम्हें, ठीक है, ऐसे ही जब इसका एच चला जाता है तो इसका एच जाने से इसके ऊपर भी नेगेटिव आएगा, तो यहां पे भी ऐसे ही रिजोनेंस होगी, और रिजोनेंस होगी तो यहां पे इसी तरह से हम पार्शियल बॉन्ड दिखा देंगे, क्लियर, पार्शियल बॉन्ड दिखा देंगे और इन दोनों ऑक्सीजन पे माइनस वन चार्ज, ऐसे ही हम इधर भी आएंगे तो इधर भी बेटे हम ऐसे पार्शियल डबल बॉन्ड दिखा देंगे और इन ऑक्सीजन पे माइनस वन चार्ज होगा, ठीक, तो ये हमारे पास तीन स्ट्रक्चर हो गए, एक दो तीन, ठीक, नाउ बेटे
इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा देन दिस, क्योंकि यहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। नो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, नो हाइड्रोजन बॉन्ड, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है यहां पे। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से मैंने बोला था रिंग लाइक स्ट्रक्चर, किलेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? किलेशन। पिछली बार बताया था तुम्हें रिंग लाइक स्ट्रक्चर के बनने को क्या बोलते हैं, कहा था रिंग लाइक स्ट्रक्चर के बनने को हम बोलते हैं किलेशन। तो यहां किलेशन हो जाती है और किलेशन मॉलिक्यूल को स्टेबल बना देती है। यहां पे यहां से भी होगी और यहां से भी होगी, दो जगह से किलेशन हो जाएगी और किलेशन ज्यादा स्टेबल होगी। तो यानी बेटा ये मोस्ट स्टेबल होगा आफ्टर गिविंग एच, आफ्टर गिविंग एच दिस बिकम्स मोस्ट स्टेबल, आफ्टर गिविंग एच दिस बिकम्स लेस स्टेबल, एंड आफ्टर गिविंग एच दिस बिकम्स लीस्ट स्टेबल। ठीक, एच देने के बाद हमारे पास यहां पे इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड यहां बना और यहां पे इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड यहां बना एच देने के बाद। तो एच देने के बाद ज्यादा स्टेबल हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया तो एच आसानी से देगा। तो इसका मतलब कि अगर हम ये वाले एसिड लिखते एक जगह पे OH, यहां COOH, यहां OH, दूसरा लिख देता मैं यहां पे OH, यहां COOH, और तीसरा लिख देता मैं इसी तरह से COOH, तो बेटा यहां इसका आयन ये बना, दिस इज मोर स्टेबल, तो ये एच आसानी से देगा, ये भी एच आसानी से देगा, तो ये स्ट्रेंथ ऑफ एसिड आ जाएगी। देखो एक सिंपल बात है, मान लो आपने एक जैकेट डाल रखी है, उसमें आपको गर्मी लग रही है। अब आप जैकेट उतार के ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे तो जैकेट उतार दोगे ना बेटा, इजीली उतारोगे ना। पर अगर जैकेट उतारने के बाद तुम्हें ठंड लगनी शुरू हो जाए तो क्या जैकेट उतारोगे भाई? नहीं ना। उसी तरह एच देने के बाद ये किलेशन करता है और ज्यादा स्टेबल बन जाता है। अगर एच देने के बाद ज्यादा स्टेबल बन जाता है तो एच देगा आसानी से देगा, ये एच देने के बाद कम स्टेबल बनता है तो थोड़ी मुश्किल से देगा, और ये एच देने के बाद ज्यादा स्टेबल नहीं होता है ये बहुत ही मुश्किल से देगा। तो ऑब्वियसली ये एच आसानी से दे रहा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एच थोड़ा मुश्किल से दे रहा है, वीक एसिड है, ये एच थोड़ा और मुश्किल से दे रहा है और भी वीक एसिड है। इसकी सारी स्टोरी अभी तो समझ नहीं आएगी। ठीक, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि कहीं पर इंट्रामॉलिक्यूलर, यहां इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ने क्या किया, एसिडिक करेक्टर को कम किया, जबकि यहां इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ने एसिडिक करेक्टर को बढ़ाया। ठीक, पर अभी तो सिर्फ ये समझाया जा रहा है कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एसिडिक करेक्टर में भी पार्टिसिपेट करता है। और ये जो दो तीन मॉलिक्यूल तुम्हें बताया इसके बारे में तो बताया ही है, लेकिन फ्यूचर में ऑर्गेनिक में दिस विल बी डिटेल्ड स्टडी, दिस विल बी स्टडीड इन डिटेल। बोलो क्लियर और नॉट? किसी को कोई डाउट हो जल्दी? देखो बेटा जस्ट बहुत सिंपल बात है यार, वेरी सिंपल। क्या है, एच देने के बाद ये दो जगह से किलेशन कर रहा है इसलिए ज्यादा स्टेबल है, इसलिए एच आसानी से देगा, जो एच आसानी से देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये एच देने के बाद एक जगह से किलेशन कर रहा है, ये इसके मुकाबले लेस स्टेबल है तो ये एच थोड़ा मुश्किल से देगा। ठीक, इसलिए ये लेस एसिडिक है और इसमें किलेशन नहीं हो रही है इसलिए ये एच सबसे मुश्किल से देगा, ये वीकेस्ट एसिड हो जाएगा यहाँ पे। अभी बोलो समझ में आया? स्नेहा बेटे लास्ट एसिड जो है इसका नाम हम ऐसा लिख सकते हैं, यहां पे दो जगह पे, यानी इसको लिख सकते हैं 1,5-dihydroxybenzoic acid, और यहां पे सिंपली हम ये भी बोल सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक एसिड। तो अभी इस पचड़े में मत पड़ो तो ही बेटर रहेगा, समझ में आई बात? क्लियर। तो ये तो था बेटा हमारे पास कैसे एसिडिक करेक्टर को हमने इससे गवर्न किया, यानी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन एसिडिक करेक्टर। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई।
तो बेटा दिस वॉज द एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. आपको इंटरमोलिकुलर की भी बताई, आपको इंट्रामोलिकुलर की भी आपको बता दी मैंने क्या क्या एप्लीकेशंस होती है. तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहां फिनिश करते हैं.